कर ललन कम होक नहीं। मुंह पे ताला पड़ गया है का? यही करता है तू, निकम्मी औलाद जने। एक महीना हम काम पे लग जाएंगे। चार महीना से यही तो सुन रहे हैं, काम काज कुछ करता नहीं, फड़वाई करता रहता है। अपने भैया को देख और कुछ सीख उससे। आज तोरी उम्र में आने तक तो उसका पक्का मकान बन गया था। तोरी मेहरारू काम पे जाती है, गरीब देश में कितना नाक कटता है हमारा। अपनी भौजाई को देख, अरे कभी पर्दा से बाहर नहीं निकली आज तक। और एक ये है ठाकुराइन, भोरे भोरे बन ठन के नया नया कपड़ा पहन के चल पड़ती है काम पे। कौन काम पे जाती है भगवान ही जाने। अरे कहे थे ना चांडालिन है, ब्याह मत कर इससे, पर नहीं, सनीमा देख के प्यार का भूत चढ़ा था ना। अब वो सलमा थोड़ा नमक दे दे, सामने लौटा देंगे। अरे यहाँ हमारा एक पेपर था इस शाम का, देखिए वो रिक्शा के लोन का बिस्तर के नीचे रखे हैं। तुमको कौन बोला रे पढ़ने के लिए? हाँ कितना बार बोले हैं हमारे सामान को हाथ मत लगाया करो, समझ नहीं आता क्या तुम्हारे? अम्मा के हाथ से पानी का गिलास गिर गया था इसलिए उठा लिए। कोनो शौक नहीं है तुम्हारा पेपर पढ़ने का। हाँ तो मत पढ़ा करो, ठीक है? हर चीज में नाक घुसाने की जरूरत नहीं है।
ब्रदर का क्लाइंट है, कल सुबह ब्रदर जाना है, वो टाइम मिल जाएगा मतलब। हाँ हो, क्लाइंट के पास जा रहे हैं। बड़ा भोरे में निकल गए। हाँ, अच्छा कल तुम कल्लू भैया के यहाँ रुके थे। अब ये बताओ कब तक लौटोगे? शाम को। शाम को कहें? अरे कल आ जाना, जो काम करने जाती हो उसको ठीक से बढ़िया से निपटा उपटा के आना। मतलब क्या है तुम्हारा? ढेले भर का काम नहीं है तुम्हारा, इतना बन ठन के जाती हो, ये ओवर टाइम का पैसा का तुमको ऐसे ही मिलता है? हम क्या चूतिया लगते हैं तुमको? कितनी बार बताया, इतना ही शक होता है तो आया करो हमारे साथ। दिन भर 40-50 कपड़े सीते और फिर रात को घर पे अच्छा, भी सीते। पहले बात सुनो हमारी। नन्हे को पढ़ाना, तुम तो पढ़ाते हो। चुप। फिर अम्मा और तुम्हारी बकर बकर। अरे चुप बोलो, चुप। कितनी बार बोले हैं कि जब हम बोल रहे होते हैं तो बीच में मत बोला करो। टेलरिंग फेलरिंग का काम हमारे जात में कोई किया नहीं है। अगोतिया लोग सुनेंगे ना तो घर आएंगे। ये बात तुमरे खोपड़ी में घुसती नहीं कारे? हैं? हेलो, 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 हमको कोई शौक नहीं है टेलरिंग का। हम भी पैर पे बताशा बांध के घर पे बैठना चाहते हैं, पर फैक्ट्री में तुम्हारी नौकरी छूटने के बाद घर पे राशन पानी कहाँ से आएगा, कभी सोचे हो? बस बस, ज्यादा जताने का जरूरत नहीं है। जता नहीं रहे, हमारी अम्मा तो अपना छोटा गिलास तक उठा के नहीं दे सकती। सारा पैसा तो उनके पान तंबाकू और तुम्हारी दारू लाठी में ही चला। अरे अरे अरे, क्या बोल रही रे? हां, दो पैसा हाथ में आया तो हमको हिसाब समझा रही हो? देखो, इतना ही तकलीफ होता है ना तो अपने टेलरिंग की दुकान में ही रह जाना, वहीं खाना पीना और वहीं सो जाना, और सोने के लिए तुम्हारा मालिक ओवर टाइम पे भी ओवर टाइम देगा। नहीं करना हमको काम, खाली बैठ बैठ के दिमाग तुम्हारा पूरा सड़ चुका है। और कहीं तो नौकरी मिलने रही तो सिलाई बुनाई कर लेना, तुम उसी के लायक हो। अरे भाई चुप, क्या बोल रहे? बहुत सुन लिया हम तुम्हारी जली काटी। एक काम करो, तुम अगली महानगरी पकड़ के ना बनारस से चली जाना। अलाउड के आओगी ना तो पॉट की फेंक देंगे, वहीं रहना अपने लंगड़ी अम्मा के पास। फोन काट, फोन काट भाई चुप।
अभी कुछ सुनाना बाकी है। अरे मीना सुनो तो। कल जा रहे हैं हम बनारस। हाँ? हमको भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। हाँ? ना जान चलो। मीना बात सुन। घर ताप रहे हैं। हेलो मीना। खाली माँ बहन सुना रहे हो। मरो जियो जो चाहे करो। अरे मीना सुनो तो। क्या और गाली दोगे? वो हम भी दे सकते हैं। कुत्ते हो तुम, कुत्ते। हो गया अगर यहाँ के। बनारस में दुकान खोलेंगे। हाँ? सुन रहे हो ना? उनका चाबी अम्मा के पास है। नहीं मीना। हम नन्हे को साथ लेके जा रहे हैं। मीना तुम मत जा। और सुनो, तू भैया के यहाँ 12,000 रखे, वो बोले ऑटो के डिपॉजिट के लिए 20,000 लगेंगे, तो हम जमा करते आए हैं, तुमको बताया नहीं, रख लेना वो तुम मेरे तरफ से। नहीं मीना तुम मत जाओ। अब नहीं क्यों, जब हम छोड़ने का बात की तुम्हें भी आने लगे हो? इतना महीना हो गया है, फैक्ट्री का बात भूल जाओ, अनाप शनाप सोचना बंद करो, जो आगे का है वो देखो। मीना मीना बहुत देर हो गई। मीना क्या देर हो गई? हमारा बैलेंस खत्म हो रहा है। कल फोन रिचार्ज किया है तुम्हारा, बात नहीं सुनना तो कोई अच्छा बहाना सोचो। हेलो हेलो मीना, हेलो हेलो हेलो। अरे हेलो हेलो, आसपास इतना शोर हो रहा था कि तुम्हारा आवाज सुनाई नहीं दिया।